नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मंथली जीके बेस पे होने वाली है। मंथली जीके में हम पढ़ेंगे सितंबर 2018 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और जितने भी इवेंट हुए वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। इसमें चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर लॉन्च इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं IPPB, किसी अन्य बैंक की तरह ही होगा लेकिन इसका संचालन किसी भी क्रेडिट जोखिम के बिना छोटे पैमाने पर होगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सुरेश कुमार सेठी इज़ MD एंड CEO ऑफ IPPB। उसके बाद है फोर्थ बिमस्टेक समिट कॉन्क्लूड, चौथा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो समापन हो गया है उसका। अगर हम इसके बारे में बात करें बिमस्टेक के, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था काठमांडू में। और उसके बाद जो है श्रीलंका हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द बिमस्टेक। अगर हम बिमस्टेक जो देश हैं इसके अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं तो चेयरमैन इसका कौन बना है? वो बना है श्रीलंका। नेक्स्ट इज़ जैन मुनि तरुण सागर पास अवे। जैन मुनि, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, तरुण मुनि सागर का निधन हो गया है। उसके बाद है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एम्बार्क ऑन थ्री नेशन टूर। जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो तीन देशों की यात्रा पर है, उन तीन देशों के नाम क्या क्या है? उसका सबसे पहला नाम है साइप्रस, दूसरे का नाम है बुल्गेरिया एंड तीसरे का नाम है चेक रिपब्लिक। इसके बारे में अगर हम बात करें साइप्रस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होगा साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया एंड करेंसी इज़ यूरो। ये दोस्तों आपने जो है जहाँ पर भी हमारे प्रेसिडेंट या फिर PM अगर विजिट करते हैं तो वहाँ के देश की कैपिटल और करेंसी जो है आपको याद कर लेनी ज़रूरी है। तो हम इन तीन देशों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ बुल्गेरिया। बुल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया एंड करेंसी इज़ बुल्गेरियन लीव। एंड चेक रिपब्लिक की कैपिटल है पैरागवे एंड करेंसी इज़ चेक कोरोना। कोरोना जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हिट रिकॉर्ड्स हाई इन 2017 UN रिपोर्ट। UN रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मतलब क्या है, जो बाहर के देशों से लोग घूमने आते हैं उसका जो है संख्या जो है एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जुराब पोलो लिक्शावी इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। UN की जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब। एंड इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर है इसका स्पेन में, मैड्रिड में। मैड्रिड जो है वो स्पेन के ही अंदर एक शहर है। नेक्स्ट इज इंडिया अलोंग विद 23 अदर नेशन पार्टिसिपेट्स इन सुनामी मॉक ड्रिल। सुनामी मॉक ड्रिल का मतलब है सुनामी से निपटने के लिए एक्सरसाइज की गई है, मतलब वहाँ पे जो है अभ्यास किया गया है। टोटल कितने देश हैं? भारत एंड 23 अदर नेशन, मतलब जो है 24 नेशन ने इस सुनामी मॉक ड्रिल में भाग लिया है। द एक्सरसाइज नोन एज IO Wave 18, इसको हम किस नाम से जानते हैं? IO Wave 18 के नाम से जो है ये जानी गई है। इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन IOC के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है। और जो है IOC किसकी है? यूनेस्को की। नेक्स्ट इज सेप्टेम्बर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है, हम किस मंथ को पूरे देश भर में जो है पोषण माह जो है वो के रूप में मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा सितंबर। सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण अभियान की अगर हम बात करते हैं, द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय PM मोदी। PM मोदी ने पोषण अभियान की जो है वो शुरुआत की थी कब? March 8 को जो है ये शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? झुंझुनू, राजस्थान से।
इंडिया टू हैव वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी फॉर ट्रांसपोर्ट सून, नीति आयोग ने जो है ये ऐसा कुछ बोला है, भारत जल्द ही परिवहन के लिए वन नेशन वन कार्ड जो है नीति, जो मतलब आप सिर्फ को आपको सिर्फ एक ही कार्ड जो दिया जाएगा और आप उससे पूरे देश में कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट सॉरी आप मतलब वहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज राजीव कुमार एंड CEO इज अमिताभ कांत। नेक्स्ट इज यूक्रेन कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी इंडिया एक्सरसाइज करता है और दूसरी जो कंट्रीज एक्सरसाइज करते हैं उनमें से कम एक क्वेश्चन जो है आ जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यूक्रेन कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नाटो नेशंस। यूक्रेन ने नाटो राष्ट्रों के साथ जो है यूक्रेन ने की है किसके साथ, नाटो राष्ट्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है वो आयोजन इन्होंने किया है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यूक्रेन की कैपिटल के, तो ये है कीव एंड करेंसी इज यूक्रेनियन हैरिविनिया। ओके नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, प्रेसिडेंट थ्री नेशन विजिट इंडिया एंड साइप्रस साइन की एग्रीमेंट इन वेरियस फील्ड। जो है जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो तीन देशों की यात्रा पर गए हैं, उनमें से एक है साइप्रस और साइप्रस के जो साथ हमारे संबंध हुए हैं मतलब एग्रीमेंट पे जो है वो साइन हुए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर हम साइप्रस की जो है कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो वो है निकोशिया एंड करेंसी इज़ यूरो। नेक्स्ट इज एलिस्टर कुक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय से इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं एलिस्टर कुक की, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश की तरफ से ये क्रिकेट खेलते थे, तो वो है आपका इंग्लैंड की तरफ से ये जो है वो क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। अगर हम इसकी बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की, इसका नाम है एंटोनियो ग्वेटर्स एंड हेड क्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क USA। अगर हम इसकी बात करते हैं कब बनाया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट इज इंडो कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज, आपको पहले बता दिया गया है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा इस पूरी वीडियो का। इसमें जो है एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत अच्छा एक से दो क्वेश्चन के बारे में इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है। इंडो कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या होगा, अगर हम नाम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो नेशंस के नाम से ही मिलकर के एक अभ्यास का जो है नाम बनाया जा सकता है। काजिकिस्तान में जो है क्या आएगा, KAZ एंड इंडिया में आएगा INDI, तो जो है ये क्या बनाया गया, KAZ INDI इस जो एक्सरसाइज का वो नाम दिया गया है। अगर हम कजाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो इसकी कैपिटल होगी अस्ताना एंड करेंसी इज टेंगी। टेंगी जो है TENGE इसकी जो है क्या होगी, करेंसी होगी। नेक्स्ट इज़ आरिफ अलवी इलेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान, न्यू प्रेसिडेंट, अभी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में और वहाँ पे प्रेसिडेंट एंड PM की जो है नियुक्ति की गई है, तो इसमें से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि PM का नाम बताएं प्रेसिडेंट का नाम बताएं। अगर हम बात करते हैं नए राष्ट्रपति की, नए राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी को जो है वो नए राष्ट्रपति बनाया गया है। अगर हम पाकिस्तान की कैपिटल की बात में बात करते हैं तो इस्लामाबाद है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान एंड करेंसी इज़ पाकिस्तानी रूपी। नेक्स्ट इज RP सिंह ने भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी उसका खेल का जो है वो रिटायरमेंट ले लिया, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट इज होमोसेक्सुअलिटी नॉट अ क्राइम इन इंडिया एनीमोर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये हिदायत दी गई है, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत तो नहीं कहेंगे, मतलब जो है कि ये लॉ बना दिया गया है। अब भारत में जो समलैंगिकता है वो एक अपराध नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 के तहत जो है वो समलैंगिकता का आधार आता था और जब ये धारा समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट इज इंडिया US होल्ड मेडन 2+2 टॉक इन न्यू दिल्ली। इंडिया और US के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी टॉक है जिसका नाम क्या है 2+2 जो है वो इसमें भारत और पाकिस्तान इसके अमेरिका के बीच में होगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर पूनम सिंह नॉमिनेटेड फॉर सेकंड टर्म एज रीजनल डायरेक्टर WHO। WHO की रीजनल डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पूनम सिंह को, किसके लिए, WHO की साउथ ईस्ट एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टर के रूप में। जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट जो
WHO की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड ट्रेडेस अथानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है वो महानिदेशक हैं। WHO के जो है वो क्या है, महानिदेशक हैं ट्रेडेस अथानोम। नेक्स्ट इज इंडियन बॉक्सर मैरीकॉम साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर PSL। ब्रांड एम्बेसडर को भी जो है आपने याद कर लेना है जो इम्पोर्टेंट है। एंड हमने इस पे ऊपर ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपने वो देखनी है तो आप उससे देख करके पता लगा सकते हैं कि लेटेस्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सी कंपनीज़ के वो बनाए गए हैं। तो मैरीकॉम को जो किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है BSNL के लिए। अब है ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सौरभ चौधरी क्लिंचेस गोल्ड। जो है ISSF जो शूटिंग की जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, इसमें सौरभ चौधरी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है फॉर्मर RBI गवर्नर बिमल जालन टू हेड पैनल टू सेलेक्ट न्यू CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान को CEA का चयन करने वाले पैनल का प्रमुख नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। और अब की बार जो इसकी थीम थी, उस थीम का जो है वो क्या थी, वो है लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें फ्रांस ओड्रे एजोले 11th DG ऑफ यूनेस्को, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ओके, जो ये लिटरेसी डे मनाया जाता है ये किसके अंडर मनाया जाता है, ये यूनेस्को के अंडर मनाया जाता है। इस वजह से इसके बारे में हमने बात की है कि इसका हेडक्वार्टर कौन है और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है। नेक्स्ट इज 3-डे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बिगिंस इन शिकागो। शिकागो में 3 दिवसीय हिंदू कांग्रेस की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम है थिंक कोलेक्टिवली अचीव वैलेंटली। नेक्स्ट इज SBI अपॉइंट अनुष्का कांत एज मैनेजिंग डायरेक्टर। अनुष्का कांत को क्या बनाया गया है, MD बनाया गया है, किसको, SBI का। SBI चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं उसका नाम है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हरिदे हजारिका विंस गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल। अगर हम दोस्तों स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, जो मतलब जो स्पोर्ट्स की जो बिग इवेंट हुए हैं उनको जो है कवर करना एक ज़रूरी, एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रूप में बनकर आता है। तो दोस्तों इन सभी के जो है नोट्स बना लीजिएगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो ISSF विश्व चैम्पियनशिप में हृदय हजारिका ने 10 मीटर एयर राइफल में जो है जूनियर इवेंट में क्या जीता है, वो गोल्ड मेडल जीता है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो हृदय हजारिका है उसने कितने मीटर में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है या उसने कौन सा पदक जीता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि 10 मीटर और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक अपॉइंट्स HDFC's अमिताभ चौधरी एज MD एंड CEO। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को क्या बनाया है, MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है एंड सीघा शर्मा इज द प्रेजेंट CEO एंड MD ऑफ एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट इज ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में नेक्स्ट है अंकुर मित्तल विंस डबल ट्रैप गोल्ड। अंकुर मित्तल ने क्या जीता है, डबल ट्रैप में गोल्ड जीता है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इस चैंपियनशिप की तो ये चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे हुई है, ये साउथ कोरिया में हुई है जिसकी कैपिटल क्या है, सियोल, एंड करेंसी इज द साउथ कोरियन वोन। वोन जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट इज नाओमी ओसाका बीट सेरेना विलियम्स टू विन US ओपन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि US ओपन अब की बार किसने जीता है, वो जीता है नाओमी ओसाका ने और किसको हरा कर जीता है, सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट इज ऐश्वर्या राय बच्चन रिसीव मेरिल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ऐश्वर्या राय बच्चन को क्या मिला है, मेरिल स्ट्रीप अवार्ड से जो है इनको नवाजा गया है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय वॉज होनर्ड विद द मेरिल स्ट्रीप अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस एट द वीमेन इन फिल्म एंड टेलीविजन इंडिया अवार्ड। ओके, तो ऐश्वर्या राय बच्चन को कौन सा अवार्ड मिला है, मेरिल स्ट्रीप अवार्ड जो है इसको दिया गया है। नोवाक जोकोविच विंस मैंस टाइटल इन US ओपन टेनिस। अगर हम मेल की बात करते हैं US ओपन की, तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो नोवामी ओसाका को मिला है। अगर मेल की बात करते हैं तो उसमें
कौन जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो जिन्होंने पुरुष एकल का जो ये खिताब जीत लिया है यूएस ओपन में। नेक्स्ट इज ट्रिपल जंपर अरपिंदर सिंह, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन IAAF कॉन्टिनेंटल कप। अरपिंदर सिंह जो है भारत के पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने IAAF कॉन्टिनेंटल कप में जो है पदक जीता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था ये इवेंट, ये हुआ था चेक रिपब्लिक में, जिसकी कैपिटल है प्रागवे और करेंसी इज कोरोना। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया ज्वाइन एलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ कैपेबल ऑफ एयर टू एयर फ्यूल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भारत जो है वो एयर टू एयर ईंधन स्थानांतरण के योग्य देशों के उत्कृष्ट वर्ग में शामिल हुआ है। इसमें क्या है, जैसे सपोज एक ये जेट है और एक इसके आगे ऐसे यहाँ पे चल रहा है, तो अगर इसमें जो है ईंधन की कमी हो गई तो करते क्या है ये, इसमें ना एक यहाँ पे एक ऐसे एक नोडल लगी होती है ऐसे, ओके, और इसमें जो है इसमें भी एक नोडल है जिसका आगे से ऐसे जो है चोंच बनी रहे, तो ये नोडल जो है इसमें यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और इसमें से जो है ईंधन जो है इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। बाकायदा ये दोनों के दोनों चलते रहते हैं, चलते चलते जो है इसमें ये ईंधन की भरा जाता है, इसमें ईंधन को जो है दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ अगर इसके बारे में बात करते हैं तो बीरेंद्र सिंह धनोवा, BS धनोवा जो है प्रेजेंट चीफ हैं किसके, एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के। नेक्स्ट इज फर्स्ट एडिशन ऑफ बीमस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज, बीमस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, MILEX 18 जिसका नाम है, और जो है ये कहाँ पर हुई है, पुणे में हुई है। द ओपनिंग अकाउंट फॉर 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और बीमस्टेक में जो है वो दुनिया की 22% जो है जनसंख्या इन बीमस्टेक देशों में रहती है, और श्रीलंका इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द बीमस्टेक। ओके, बीमस्टेक के जो देश हैं वो इनके जो है फ्लैग हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्ब्स नॉमिनेटेड ऑथर प्रीति शिनॉय पेंस न्यू बुक द रूल ब्रेकर्स। फोर्ब्स के लिए नामांकित लेखिका प्रीति शिनॉय ने नई पुस्तक द रूल ब्रेकर्स लिखी। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि द रूल ब्रेकर्स किसकी बुक है, तो आंसर होगा प्रीति शिनॉय की। नेक्स्ट इज इंडिया मंगोलिया जॉइंट एक्सरसाइज, इंडिया की और मंगोलिया की जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट 2018, जिसका क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट 2018। अगर मंगोलिया की कैपिटल की बात करते हैं तो उलान बातर जो है इसकी कैपिटल है, एंड करेंसी इज़ टोग्रोग, इसकी जो है मंगोलियन टोग्रोग जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट इज़ हीमा दास अपॉइंटेड, जो है असम की हीमा दास को स्पोर्ट्स एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। अगर हम CM की बात करते हैं असम के, तो वो कौन है, SS सोनोवाल, एंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। नेक्स्ट इज जस्टिस ओम प्रकाश मिश्रा एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, किसको बनाया गया, ओम प्रकाश मिश्रा को बनाया गया है। अगर हम नेपाल के करेंसी के बारे में बात करते हैं तो रूपी इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल एंड काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ द नेपाल। नेक्स्ट इज इंडो US, मतलब भारत और US के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, युद्ध अभ्यास 2018, और कहाँ पर शुरू हुआ है, उत्तराखंड में ये शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इज हरियाणा साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन ऑयल फॉर इथेनॉल प्लांट, हरियाणा ने जो है वो इंडियन ऑयल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए, इथेनॉल प्लांट के लिए। अगर हम CM की बात करते हैं हरियाणा के, तो वो है मनोहर लाल खट्टर एंड द गवर्नर इज सत्यदेव नारायण आर्य, जो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। रशिया लॉन्च बिगेस्ट वॉर गेम्स वोस्तोक 2018 सिंस कोल्ड वॉर, रूस ने शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, वोस्टोक 2018। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं रशिया के, तो है मॉस्को, करेंसी इज रूबल एंड प्रेसिडेंट इज वेल नोन व्लादिमीर पुतिन। PM मोदी ने जो है अनाउंस लॉन्च ऑफ स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट जो है इन्होंने लॉन्च की है, और ये कब लॉन्च किया, टू मार्क द 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट, इन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू की है, स्वच्छता ही सेवा जो है इन्होंने शुरू किया है। एंड नेक्स्ट इज सैमसंग ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर इन बेंगलुरु, सैमसंग ने बेंगलुरु में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र को जो है वो खोला है। अगर हम सैमसंग के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो साउथ कोरिया की कंपनी है, सियोल में इसका हेडक्वार्टर एंड फाउंडर इज ली ब्यूंग चुल।
नेक्स्ट इज हिंदी दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया गया है, और अगर हम सबसे पहले हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। नेक्स्ट इज जस्टिस रंजन गोगोई अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? रंजन गोगोई को। अगर हम बात करते हैं कि कौन से नंबर के हैं ये, 46 नंबर के जो है हमारे चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस हरिलाल जे सुंदास कानिया इज द वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कानिया जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट इज ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप उदयवीर सिंह विंस गोल्ड इन जूनियर मैंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट। उदयवीर सिंह ने जो है जूनियर पुरुषों में 25 मीटर में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन सॉल्यूशन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, अब की बार की जो है ये थीम थी। नेक्स्ट इज फॉर्मर हॉकी इंडियन कैप्टन सरदार सिंह ने जो है वो भारतीय हॉकी कप्तान जो है सरदार सिंह ने अपनी रिटायरमेंट जो है हॉकी से वो अनाउंस कर दी है। अगर हम बात करते हैं सरदार सिंह के बारे में तो इन्होंने अर्जुन अवार्ड मिला था 2012 में और पद्मश्री मिला था 2015 में। बंगाल स्कीम टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए बंगाल की योजना जो है वो क्या नाम है उसका, स्वयं सिद्ध जो है यहाँ पे इसको चलाया गया है किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। वेस्ट बंगाल की सीएम की बात करते हैं तो ममता बनर्जी एंड गवर्नर इज केसरीनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट इज इंडियन डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 16 सितंबर, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए बचाने के लिए जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार अगर हम थीम की बात करते हैं तो थीम इज़ द कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, दिस इज द थीम ऑफ द ओजोन लेयर डे। नेक्स्ट इज इसरो लॉन्चेस 2 ब्रिटिश अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ऑन बोर्ड PSLV C42। इसरो ने PSLV C42 से 2 ब्रिटिश पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहों को जो है लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के जो है 2 उपग्रह को भारत के इसरो ने लॉन्च किया है, तो वो है ब्रिटिश के। एंड द चेयरमैन ऑफ इसरो इज KSIVAN, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। एंड जिससे ये लॉन्च किया गया है वो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C42। नेक्स्ट इज केरला टूरिज्म विंस 2 पैटा गोल्ड अवार्ड। 2 पैटा गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, वो केरला टूरिज्म को मिला है। एंड द पैसिफिक एशियन एसोसिएशन, अगर हम पैटा की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो है की बार इसकी फुल फॉर्म है। केरला के अगर हम सीएम की बात करते तो पिनाराई विजयन है एंड गवर्नर इज PSIDHASIVAM। ओके, नेक्स्ट इज पीएम मोदी बांग्लादेश पीएम शेख हसीना जॉइंटली लॉन्च्ड इंडो बंगला पाइपलाइन प्रोजेक्ट। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत बंगला पाइपलाइन परियोजना की जो है वो शुरुआत की है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये किसको कनेक्ट करेगी, या सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड प्रभातीपुर इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश को जो है, इन 2 सिटी को जो है ये कनेक्ट करेगी आपस में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो जर्मनी लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो है ट्रेन वो लॉन्च कर दी है। अगर हम जर्मनी की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड करेंसी इज़ यूरो और चांसलर का नाम है एंजेला मोर्कल। नेक्स्ट इज वरुण धवन अनुष्का शर्मा साइंड एज एम्बेसडर ऑफ स्किल इंडिया कैंपेन। जो स्किल इंडिया कैंपेन है वो भारत कौशल मिशन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर किस किस को बनाया गया, वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा को। इनकी अभी जो है फिल्म भी आई है जिसका नाम है सुई धागा। होंगजो टू होस्ट 2022 एशियन पैरा गेम्स। होंगजो 2022 के एशियाई पैरा खेलों की जो है मेजबानी करेगा। द थर्ड एशिया पैरा गेम्स 2018 विल बी प्लेड इन जकार्ता। 2018 के कहाँ पे खेले जाएंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में। लुइस हैमिल्टन ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2018 जीत लिया। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन IAS ऑफिसर पास अवे
अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसका नाम था मिसिस मल्होत्रा, जो इन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जो है इन्होंने ज्वाइन किया था 1951 में। दिस शी वॉज द फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड नेक्स्ट इज अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी विजिट इंडिया। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो है ये इसके मेन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुए हैं किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और अगर हम अफगानिस्तान की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो काबुल है, और करेंसी जो है यहाँ की अफगानी जो है यहाँ की करेंसी है। ओके, नेक्स्ट इज इसरो टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेटेड एट NIT अगरतला। अगरतला में इसरो टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं इसरो के, तो डॉक्टर के सीवान इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, और हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट अपॉइंट न्यू MD एंड CEO ऑफ 10 PSBs जो है ये बैंक, नए जो अभी बैंक हैं तो इन बैंक के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं उसको हम आज देखेंगे। इंडियन बैंक के बनाए गए हैं पद्माजू चुंद्रू। नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक के महापात्रा को जो है सिंडिकेट बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया पल्लव महापात्रा को। आंध्रा बैंक का बनाया गया है पैकरी स्वामी को। एंड देना बैंक का बनाया गया कर्णम शेखर को। अलाहाबाद बैंक का बनाया SS मल्लिकार्जुन राव को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र AS राजीव। UCO बैंक के बनाया अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के बनाया S हरिशंकर। अशोक कुमार प्रधान बनाया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो है ये MD एंड CEO ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज टॉप साइंटिस्ट KN व्यास अपॉइंटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन चीफ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक KN व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ शेखर बासु। अगर हम बात करते हैं तो पहले कौन था इसका यहाँ पे चीफ, कौन थे ये, थे शेखर बासु। नेक्स्ट इज DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड टैक्टिकल मिसाइल प्रहार। इसरो ने सॉरी DRDO ने सामरिक मिसाइल प्रहार का जो है सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण कर लिया है। अगर हम DRDO के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है, और कब बनाया गया था ये 1958 में इसका गठन हुआ था। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। जी सतीश रेड्डी जो है चेयरमैन हैं DRDO के प्रेजेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो द राइट टू पीस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एट 70, दिस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस फॉर 2018। नेक्स्ट इज विलेज रॉकस्टार इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2019, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो विलेज रॉकस्टार जो फिल्म है इसको 2019 ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक सबमिशन जो है वे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं हिंदी फिल्म न्यूटन वाज इंडियाज ऑफिशियल सबमिशन टू द ऑस्कर लास्ट ईयर, पिछले साल जो है कौन सी फिल्म गई थी ऑस्कर में भारत की तरफ से, न्यूटन। इंडिया टू होस्ट द वीमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारत जो है महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन की मेज़बानी करेगा, जो कब से कब चलाई जाएगी, नवंबर में 15 से 24 नवंबर तक 2018 में नई दिल्ली में चलाई जाएगी। मेंस की अगर हम बात करते हैं 2019 में होगी रशिया में। एंड इंडिया विल होस्ट मैन की अगर हम बात करते हैं तो मैन की 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, बॉक्सिंग की, इंडिया में होगी। इंडिया वॉन सिल्वर इन एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप। इंडिया टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता है, और जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी दोहा में, कतर में। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रांची आयुष्मान भारत को जो है रांची से जो है ये स्टार्ट किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर हम बात करते हैं इसकी तो इस योजना के तहत हर वर्ष 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट इज
इब्राहिम मोहम्मद सोली वोन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव। मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोली को राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जो है अभी ये राष्ट्रपति बनेंगे कहाँ के, मालदीव्स के। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है अब्दुल्ला यमीन को। और यहाँ की कैपिटल है मेल एंड द करेंसी इज़ रूफिया। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेट न्यू एयरपोर्ट इन उड़ीसाज झारसुगुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और ये किसके तहत किया गया है, ये उड़ान स्कीम जो चलाई गई थी, उड़े देश का आम नागरिक जो है इसके तहत इसको बनाया गया था। और अगर हम उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, उसका नाम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेट सिक्किम्स फर्स्ट एयरपोर्ट इन पोक्योंग। पाक्योंग में जो है पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले हवाई अड्डे का जो है वो उद्घाटन किया है। दिस एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर से ये सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट है। और अगर हम सिक्किम के सीएम की बात करते हैं तो पवन कुमार चैमलिंग एंड गवर्नर इज़ गंगा प्रसाद। नेक्स्ट इज सिनी सुको गिंटिंग एंड कैरोलिना मारिन वोन चाइना ओपन। चाइना ओपन किसने जीता है, सिनी सुको गिटिंग ने एंड कैरोलिना मरीन ने जो है ये चाइना ओपन जीत लिया है। नेक्स्ट इज डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वायु इन दिल्ली। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एक लगाया है, जिसका नाम वायु है। ये क्या करेगा, ये जो भी वायु है इसके आसपास की लगभग 500 स्क्वायर मीटर तक की उसको जो है ये साफ करेगा वायु डिवाइस। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो है दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट इज क्रोएशिया लुका मॉड्रिक वोन फीफाज बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक को क्या मिला है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब तक आपने देखा है कि कुछ रिसेंट ईयर्स में जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा था वो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनल मेसी को मिल रहा था, तो इन्होंने लुका मॉड्रिक ने आकर के जो है ये एक पद्धति ये पद्धति जो है वो ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट इज नेपाल टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डबल इट्स टाइगर पॉपुलेशन। नेपाल एक पहला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बाघों की जो आबादी है उसको क्या है वो डबल कर दिया है, दोगुना कर दिया है। द WWF हैड लॉन्च्ड इट्स एम्बिशियस TX2 प्रोग्राम एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010। द प्रोग्राम एम्स टू डबल द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। तो इन्होंने जो टाइगर समिट हुई थी 2010 में, उन्होंने कब तक का टारगेट रखा था डबल करने के लिए, 2022 तक का, जबकि नेपाल ने जो है ये 2018 में ही इसको डबल कर दिया है। नेक्स्ट इज यूएन डिक्लेयर्ड नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस 2019-2022। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला को शांति का दशक 2019-2028 घोषित किया है। अगर हम नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, जुलाई 18 को, एंड यूएन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएस में। नेक्स्ट इज जापान लैंडेड रोवर ऑन एस्ट्रॉइड ऑन इन हिस्टोरिक मिशन। ऐतिहासिक मिशन में शुद्र ग्रह पर जापान ने भेजे रोवर्स। इन्होंने दो रोवर्स भेजे हैं जो सक्सेसफुली वहाँ पर लैंड हुए हैं। इफ़ इट गोज ओ वेल द हायाबूशा 2 स्पेसक्राफ्ट नेम आई हायाबूशा 2 स्पेसक्राफ्ट जो उनको लेकर गया था विल रिटर्न टू अर्थ विद सोयल एंड रॉक सैंपल इन 2022-20। मतलब 2020 में जो है हायाबूशा जो है किसके सैंपल के साथ आएगा, अर्थ पर आएगा सोयल और रॉक के जो वहाँ पर सैंपल हैं उसके साथ आएगा। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले मकई जो है महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मक्का जो उत्पादन करता है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड हर्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। इट वाज लॉन्च इन 2000 बाय द वर्ल्ड हर्ट फेडरेशन एज एन एनुअल इवेंट। ये कब स्टार्ट किया गया था, ये 2000 में स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, WHF वर्ल्ड हर्ट फेडरेशन।
नेक्स्ट इज इंडिया डिफीट बांग्लादेश टू विन सेवन्थ एशिया कप टाइटल। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को हराकर सातवां एशिया कप खिताब जीत लिया है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है वो मिला है आपके शिखर धवन को। शिखर धवन को जो है इसका बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज विक्रम मिश्री अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। एम्बेसडर को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना के लिए जो भारत का अगला राजदूत है जिसका नाम क्या है, विक्रम मिश्री है। एंड चाइना की कैपिटल के बारे में बात करते हैं, बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजिडेंट इज शी जिनपिंग। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड पराक्रम पर्व एग्जीबिशन इन जोधपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर में पराक्रम पर्व जो है वो उसका उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड राजस्थान का सीएम जो है वो है वसुंधरा राजे। एंड गवर्नर इज़ कल्याण सिंह। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पराक्रम पर्व की, तो ये किसके लिए बनाया गया है? ये पराक्रम पर्व मनाया गया था कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसके लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक थी इनके लिए जो है ये पराक्रम पर्व मनाया गया है। नेक्स्ट इज टूरिज्म मिनिस्टर के जी अल्फोंस प्रेजेंटेड नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2016-17 इन न्यू दिल्ली। पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रस्तुत किए। आंध्र प्रदेश बैग्ड द फर्स्ट प्राइज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश को जो है इसमें नेशनल टूरिज्म अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिला है। ओके, और जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है वो अमरावती है, और चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू, जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। 28 सितंबर को फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि को भी चिन्हित करता है। तो किसके मतलब रिगार्डिंग मनाया जाता है, ये लुईस पाश्चर की जो है ये पुण्यतिथि को चिन्हित करता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेबीज का टीका जो है ये क्या किया था, विकसित किया था। किसका टीका विकसित किया था, लुईस पाश्चर ने रेबीज का टीका जो है वो इन्होंने बनाया था। अडल्ट्री नो लॉन्गर अ क्राइम ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 एक पति को अपनी पत्नी के प्रेमी पर मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करता है, और दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब जो है इसने ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, मतलब अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज IAF इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्त्र मिसाइल को जो है लॉन्च किया है, मतलब वहाँ पे देखा है सक्सेसफुली हुआ है वो सब। 30 विमान से स्वदेशी विकसित विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का जो है इन्होंने सफल परीक्षण किया है। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछें तो होगा कि ये किससे कहाँ से कहाँ तक की जो है ये मिसाइल है, मतलब ये एयर टू एयर जो है ये मिसाइल अस्त्र है। ओके, नेक्स्ट इज अर्जेंटीना गेट्स बिगेस्ट लोन इन IMF इंडियन मॉनेटरी फंड्स हिस्ट्री एट $57 बिलियन का जो इन्होंने डेब्ट लिया है, कर्ज लिया है, लोन लिया है। अब तक का सबसे बड़ा ऋण पैकेज है ये किसको मिला है, ये अर्जेंटीना को मिला है। किसकी तरफ से, IMF की तरफ से। कितने का, $57 बिलियन का। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज क्रिस्टन लगार्डे एंड हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC USA। ओके दोस्तों, तो ये थी सितंबर की पूरे मंथ की करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।